नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के लेआउट मेनू के बारे में समझाने वाले हैं। हर एक ऑप्शन को लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला ऑप्शन इसमें इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज की मदद से हम अपने कोरल ड्रा में पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा छोटा सा। इसमें आपको कितना पेज चाहिए, 5 पेज चाहिए तो 5 लिख दीजिए, जितना आपको चाहिए अपना कस्टम रख सकते हैं। इसके बाद आपको कहाँ पर चाहिए ये पेज, पेज इसके पहले चाहिए कि इसके बाद चाहिए, तो हमको इसके बाद चाहिए तो यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक कर देंगे। और ये पेज जो है इसका ओरिएंटेशन क्या रहे, तो अभी हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में, अगर लैंडस्केप मोड में कर देंगे तो लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। यानी जैसे ये इसका विड्थ जो है 8.5 इंच है तो वो 11 इंच हो जाएगा और हाइट जो है इसका कम हो जाएगा तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 5 पेज हम रख लेते हैं और A4 साइज का हम चाहते हैं तो A4 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा 5 पेज इंसर्ट हो गया है, ठीक है। एक पहले से लिए हुए थे और 5 एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया है, ठीक। तो अब हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डिलीट पेज। डिलीट पेज में हम यहाँ पर पेज को डिलीट कर सकते हैं एक साथ। जैसे हमको पेज नंबर 1 को छोड़कर बाकी सब पेज को डिलीट करना है तो यहाँ पर हम, ठीक है, जैसे 5 हमने इंसर्ट किए तो 5 लिख देंगे और ओके करेंगे। तो देखिए हमारा 5 पेज जो इंसर्ट था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रीनेम पेज की बात कर लेते हैं। तो रीनेम पेज में आप पेज का नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं, रीनेम पेज का जो नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं RM, चलिए ओके। देखिए यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें गो टू पेज। तो गो टू पेज अभी हाइड है तो इसके लिए हम कम से कम 4-5 पेज और इंसर्ट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए लेटर ही रहने देते हैं, ओके। तो देखिए हमारा ये आ गया पेज। पेज में हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग पेज में समझ नहीं आएगा आपको। यहाँ पर हम जो है कि बस कोई सा भी कलर ऐसे रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने पेज पे सब में कलर रख लिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं गो टू पेज में और हमको पेज नंबर 5 में जाना है। देखिए पेज नंबर 5 पे जैसे ही ओके करेंगे तो पेज नंबर 5 हमारा ये आ गया, ठीक है। हमने कलर इसलिए किया क्योंकि सबका वाइट कलर था तो चेंज होता तो उतना समझ नहीं आता, इस वजह से हमने कलर किया है, ठीक है। देखिए सब में अलग अलग पेज में कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। गो टू पेज हो गया। अब स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये पेज आपका भी पोर्ट्रेट मोड में, इसको लैंडस्केप मोड में करने के लिए यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमारा लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ये भी दिया ऑप्शन, और यहीं से राइट क्लिक करेंगे नीचे तब भी हमको स्विच पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम पेज का साइज बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम A4 ले लेते हैं, A4 लेने के बाद हमको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में, ये सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टिक लगाते हैं रिसाइज करेंट पेज ऑनली पर तो सिर्फ यही पेज होगा, अगर यहाँ पर टिक नहीं लगाते हैं तो सभी पेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए सब पेज हमारा हो गया होगा, वैसा देख सकते हैं सब में हो गया है। अब बात कर लेते हैं, इसी में और ऑप्शन था, ठीक है, शायद आपने ध्यान दिया हो। यहाँ पर हम जो है पेज सेटअप में ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया एड पेज फ्रेम। तो जो हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके पेज में एक बैकग्राउंड फ्रेम इंसर्ट किया था वो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, देख सकते हैं ये। अब देखिए इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ऐसे में कलर फिल नहीं कर सकते हम, इसके लिए हमको बैकग्राउंड सेटअप करना पड़ेगा जो इसमें पेज बैकग्राउंड में भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। पेज सेटअप में ही आपको लेबल ऑप्शन एक मिलेगा, लेबल का भी काम सेम है, इसमें भी आपका पेज साइज होता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लेबल पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं इसका साइज दिया हुआ है, ये ऐसे आपको दिखाएगा नहीं, बस पेज का साइज ही कि आप इतना मतलब ले सकते हैं, 3.5 का कुछ ले सकते हैं साइज का। यहाँ पर इनवेलप वगैरह बहुत सारा मिलेगा आपको, देख सकते हैं ये सब इनवेलप का दिया हुआ है, ठीक है। सबका साइज अलग अलग है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ओके करेंगे देखिए उस टाइप का पेज का साइज आ जाएगा। आप यहाँ से भी लेबल चूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी लेबल वगैरह मिल जाएगा, लेबल्स में बहुत सारा मिलेगा आपको, ठीक है। नीचे में इनवेलप वगैरह मिल जाएगा,
तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं और इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड, तो हम यहाँ पर एक A4 साइज का ले लेते हैं, या चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेआउट में पेज सेटअप कर लेते हैं और यहाँ से नॉर्मल पेज को A4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारा पेज है उसको A4 में बस कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारा A4 हो गया। अब यहाँ पर पेज बैकग्राउंड में आएंगे और यहाँ पर देखिए पेज का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होता है बाई डिफॉल्ट, उसको हम कलर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नो बैकग्राउंड पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नो बैकग्राउंड पे टिक लगा हुआ है। इसमें अगर हमको सॉलिड कलर फिल करना है तो सॉलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर हमको लगाना है वो लगा लेंगे, जैसे हमको ग्रीन लगाना है या लाइट ग्रीन लगाना है तो इस पर लगा के ओके कर देंगे, तो देखिए वो बैकग्राउंड में आ गया। इसी में है और बिट मैप का, बिट मैप पे क्लिक करके हम कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जैसे भी हमने डेस्कटॉप पे एक डाउनलोड करके रखा हुआ है ये BG नाम से, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, देखिए बैकग्राउंड में लग गया। ठीक है, तो इस तरह का हम बैकग्राउंड लगाना तो लगा सकते हैं। इसमें हम लिंक्ड में हमको चाहिए या एम्बेडेड में चाहिए, तो हमको एम्बेडेड बाय डिफॉल्ट होता है तो एम्बेडेड रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो कस्टम साइज भी हम रख सकते हैं, जो डिफॉल्ट साइज है ये है, कस्टम साइज हमको कितना रखना है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों हम अपने यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे हम कम कर लेते थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तो देखिए ये कम करने पर ये दिख रहा है दो बार में हो जा रहा है, बाय डिफॉल्ट वो वन कोशिश करता है कि एक ही बार में हो, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पेंट वगैरह हो तो उसमें न दिखे बैकग्राउंड, तो आप यहाँ से टिक को हटा दीजिए, जो चेक लगा हुआ है इसको हटा दीजिए, तो आपका ये प्रिंट नहीं होगा। अभी देखिए हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो शो नहीं करेगा कुछ, क्योंकि हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, तो इसके लिए कुछ हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पर। चलिए इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन शो करेगा, तो देखिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड प्रिंट हो तो इसी में पेज लेआउट में, पेज लेआउट के ही ऑप्शन में यहाँ पर जो लेआउट मेनू है इसमें पेज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इमेज हमने सेलेक्ट किया था उसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, इस पर टिक लगा देंगे वापस से, तो हमारा ये प्रिंट होने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।